हेलो ट्रोल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, बात करें अगर हम और आपने काफ़ी सारी बी बेंडिंग की डाइयाँ बनाई होंगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से बी बेंडिंग की डाइयाँ आपने बनाई होगी, जिसमें आप मतलब 90 बेंड करते हैं। कोई भी कंपोनेंट होता है कुछ इस तरीके से बिल्कुल 90 बेंड कर देते हैं। ठीक है, बेंड तो कर देते हैं 90 के लिए। बिल्कुल सिंपल से टूल बनाते हैं जो कि आप बी ब्लॉक पर रखते हैं, मैग्नेट बी ब्लॉक पर रखते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 करके आप अपने डाई को बना लेते हैं, पंच को बना लेते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन आपका भी हो सकता है, या एक डाउट है, डाउट मेरा और आपका भी हो सकता है। क्या ऐसे 90 बैंड हो सकता है? या 90 बैंड हो भी जाता है क्या, कभी भी प्रॉब्लम आती है? क्या प्रॉब्लम आती है? कई बार ये देखते हैं अब 90 नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये 90 नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? 90 भी नहीं होता, उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि आपके पास अगर कोई पीस ऐसा है आपके पास जिसको आप 90 बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्रेच आता है, डेंट्स आ जाता है, छिलने लग जाता है, एक प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम कि ये 90 नहीं होता। आप जब इसको ऐसे चेक करेंगे ना, तो ये आपको अंदर और बाहर, अंदर तरफ तो नहीं जाएगा लेकिन बाहर की तरफ देखें 2 डिग्री 1 डिग्री बाहर ही रहेगा, लेकिन 90 नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा होता है, ऐसा मत कहिएगा नहीं होता, शायद इन केस कहीं ना हो, बैटर अलग है, लेकिन 90% ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, कुछ सीटों में कुछ जगह पे नहीं आती, लेकिन आधा आधा अधिकतर अधिकतर जगह पे तो आती हैं ऐसी प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे यार? सोचो, करें करें देखें क्या दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है। इस केस में हमें क्या करना होता है, हम जब ये किसी चीज़ को 90 बना देते हैं, ठीक है, ये पीस मेरा यहाँ पर उठकर आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरा पीस ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये मेरा पीस ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, और हमने जब इसको दबाया, ये 90 तो दबा, 90 दब गया, लेकिन ये पंच आया हमारा, पंच हमारा यहाँ पर बिल्कुल पंच अभी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, पंच मेरा ऐसे चला गया ऊपर, ये मेरा पंच आ गया। ठीक है, और ये मेरा कंपोनेंट हो गया, ये मेरा जो कंपोनेंट आ रहा है, जब पंच और डाई को दबा रहा है, हमने सेम रीडिंग रखा है, ठीक है, सेम रीडिंग रखा, और जब वो चीज़ को ऐसे दबा रहा है तो क्या होगा भाई? 90 ये भी है, 90 ये भी है, जब दबा तो देगा ये, ठीक है, दबा देगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डेड करेगा भाई, क्योंकि उसका तो डेड होना है, ये होना है, क्योंकि आपने जो डाई का साइज बनाया वही पंच का साइज बनाया, और दोनों गया डेड हो गया, डेड हो गया, आपका पीस 90 बन गया। बिल्कुल राइट है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल राइट है कि आपने जो पीस लगाया, पीस बिल्कुल 90 बेंड हो गया, ये आपका पीस आया, पंच ऊपर से आया, डाई नीचे से, कंपोनेंट बीच में, 90 बेंड हो गया, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर पाइप पंच जैसे ऊपर जाएगा, क्या पीस आपका 90 का 90 रह जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा, स्प्रिंग बैक मारेगा वो भाई। क्यों? क्योंकि जब पंच आया था, जब डाई के पास था, तब तक के लिए ठीक था, जैसे ही आपका पंच ऊपर जाता है तो वो चीज़ खुलेगा, पीस थोड़ा सा खुलेगा, यानी को 90 नहीं रह जाएगा। ठीक है, और आप तो डेड कर चुके हो, इससे ज़्यादा आप चाल बढ़ा भी नहीं सकते हो। और उस केस में कई बार आप देखते होंगे यहाँ पर यानी जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपके कंपोनेंट में, तो यहाँ पर देखेंगे स्क्रेच आता है, डेंट्स आता है, यहाँ तक कि निशान आने लग जाता है, डेड करता है पूरा पूरा तो निशान बना देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा होगा ही होगा, जब आपने पूरा पूरा यहाँ पर डेड कर दिया डाई में, तो निशान आएगा, और ये चीज़ें आपकी बाहर की तरफ आएगी, ये चीज़ आप देखेंगे इस तरफ बाहर की खुलेगी। पहले जब दबा तो ठीक था, ठीक, जैसे पंच ऊपर गया ये तो बाहर की तरफ खुला, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग बैक, हमारे कंपोनेंट में स्प्रिंग बैक आता है, वही चीज़ यहाँ पर हो जाता है। अब इस चीज़ को सही करने का तरीका क्या है, इसका सही करने का तरीका एक ही है, जो हम पंच बना रहे थे, ठीक है, जो हमारा पंच हमने बनाया, इसमें हम देखिए, ठीक है, हमने ये डाई बना दी अपनी, ये हमारे पास डाई है, अगर हमने डाई बना दी कोई बात नहीं, डाई हम वही रखते हैं, लेकिन पंच का साइज़ क्या हमारा ज़रूरी है? ऐसे हम बिल्कुल फिक्स रखेंगे क्या हमारा ये पंच का साइज़ सही आएगा? नहीं आएगा ना मेरी जान, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, पंच को थोड़ा सा माइनस करना। माइनस करने मतलब हुआ, अगर हमारे एक्चुअल साइज ये आता, हमने पंच ये बनाया, ठीक है, ये हमने पंच बनाया, तो हमारा जो पीस होगा, पीस हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ से, और यहाँ ऐसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि पूरा पूरा यहाँ पर डेड कर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे डिग्री डाल दें, यानी कि करीब करीब 2 डिग्री 3 डिग्री अंदर की तरफ और कर दें पंच को, तो यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा, डाई तो हमारी वही रहेगी, कोई बात नहीं है, हमारे पास डाई यही रहेगी, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो डाई है डाई यही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पंच को अगर हम थोड़ा सा माइनस कर दें, यहाँ पर हमारा करीब 2 डिग्री अंदर तरफ पंच को माइनस कर देते हैं, उससे हमें पता क्या फ़ायदा हो जाएगा, जो हमारा पीस है ना, पीस है, जैसे हम 90 करना चाहते हैं, तो पीस हमारा अंदर तरफ जाने को जगह मिल जाएगी उसको,
ठीक है, जैसे आपने स्ट्रोक मारा, जैसे ही आप चाल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वो एक जगह पे जाकर डेढ़ हो जाता है अगर आप बिल्कुल 90 रखते हैं। लेकिन जब आप पंच को करीब 2 डिग्री तक अगर अंदर तरफ कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जब आपका कंपोनेंट डेढ़ करता है तो उसको अंदर जाकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए स्पेस मिल जाता है, यानी कि वो वापस जाएगा। ठीक है, पहले अंदर गया, अंदर से वापस आया, वापस आने के बाद आप चेक करें तो उसको ऐसी सेटिंग कर सकते हैं, इतनी चाल को बढ़ाएंगे कि वो 90 पर जाकर रुक जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर ऑप्शन मिल गया, क्योंकि करीब दो डिग्री आपने अंदर कर लिया या 3 डिग्री उधर पड़ी, 3 डिग्री को आपने अंदर कर लिया, जगह मिल गई आपको, आपका पीस अंदर गया, फिर वापस आकर 90 पर रुक गया, आप 90 कंट्रोल कर लिए। लेकिन जब आपने देखा कि आपका पूरा पीस 90 पर ही हो रहा है, फिर स्प्रिंग बैक में रहेगा तो बाहर आना ही आना है, डेड करना ही करना है, लोड पड़ना ही पड़ना है, स्क्रैच आना ही आना है, यहाँ तक कि लाइनिंग या निशान वगैरह आना ही आना है। ठीक है, ये प्रॉब्लमें होती हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, इसलिए पंचों को हल्का सा आप माइनस कर सकते हैं 2 डिग्री, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो आप लोग ट्राई करें जरूर, देखिए अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो में छोटी सी जानकारी आप लोग अच्छी लगी हो, अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन।